हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई है मजरा प्रजापति। और दोस्तों, कल जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम पर क्यूएनए का पोस्ट डाला था कि आप मुझे पीओने कर सकते हो, यानी आस्क के कर सकते हो, और मैं आज वीडियो बनाने वाला हूं। और आज मैं फाइनली वही क्यूएनए के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। बहुत सारे क्यूएनए पूछे गए थे, तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारे लोगों के चैनल का नाम लेके उनके आंसर क्वेश्चन के आंसर देने वाला हूँ। आपका भी नाम आ सकता है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखते रहना। और आज की वीडियो पे कम से कम 500 लाइक तो पूरे करवाई देना। और जितने भी लोग नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे पूछा गया है, प्रवीण भाई ने पूछा कि भाई लाइव करने से क्या वॉच टाइम बढ़ता है। हाँ भाई, बिल्कुल, लाइव करने से वॉच टाइम बढ़ता है, क्योंकि वॉच टाइम बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है वो लाइव। अगर आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो आपको हफ्ते में एक बार लाइव आना चाहिए, दो हफ्ते में एक बार लाइव आना चाहिए, अपने सब्सक्राइबर से बात करनी चाहिए, कम्युनिटी बढ़ानी चाहिए। लाइव आओगे तो वॉच टाइम बढ़ेगा, और लोगों से कोई क्वेश्चन आंसर होंगे तो वो आपसे लाइव मर क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो लाइव आने का सबसे अच्छा तरीका है वॉच टाइम को इंक्रीज करने का। और दूसरा क्वेश्चन मुझे पूछा है टेक्नो एक्सपर्ट 6 ने कि थैंक्स भाई, आप इतना अच्छा मोटिवेट करते हो सबको, थैंक यू सो मच बोलने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि देखो मेरा काम है आपके लिए मोटिवेट करना, आपको मोटिवेट करना। आपको मोटिवेट इसलिए करता हूं मैं कि आप कुछ काम कर सको, आपके अंदर जुनून आ जाए कि मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता कि मैंने कितनी मेहनत की है। और बिना मेहनत के सक्सेस नहीं मिलती है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं आप लोगों को मोटिवेट करता हूं कि आप कभी हारो नहीं, बस मेहनत करते रहो। एक ना एक दिन ऐसा दिन आएगा कि आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है राघव भाई ने पूछा कि भाई आप दिल्ली मीटअप करो। तो भाई मैं मीटअप में ऑलरेडी कर चुका हूं, टेक्निकल योगी सर के साथ जो मीटअप था वहां भी मैं आ गया था, और हाँ मैं मीटअप यानी समझो तीनों लोगों का मीटअप था। और जो मीटअप मैं फर्स्ट मीटअप करूंगा वो अपने शहर गुजरात में अहमदाबाद सिटी में फर्स्ट मीटअप करने वाला हूँ, बहुत जल्दी करूंगा। और उस मीटअप में आप सब लोगों को आना है, भले 10 लोग आए लेकिन आना जरूर, क्योंकि पहली बार आने के लिए एक ही बात बोली जाती है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। इसलिए फर्स्ट टाइम किसी का मीटअप हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने किसी का मीटअप मिस नहीं किया है, तो आप लोगों को भी किसी का मीटअप मिस नहीं करना चाहिए, और मेरे मीटअप में भी जरूर आप लोग आना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा सत्या भाई ने, मैं स्कूल नहीं जाता भाई, मैं यूट्यूब पर वीडियो डालता हूँ, क्या मैं सफल हो जाऊंगा। तो सबसे पहली बात देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितने भी यूट्यूबर हैं, देखो अगर आप यूट्यूब पे करना चाहते हो, अगर आपकी उम्र अभी ज्यादा नहीं है, 11 साल 12 साल 13 साल या 15 के बीच में अगर आपकी उम्र है, अगर आपका स्कूल चल रहा है, 10th क्लास चल रहा है, 11th चल रहा है, 12th चल रहा है, तो भाई स्कूल को कंप्लीट करो, 12th कंप्लीट करो, और यूट्यूब को पार्ट टाइम दो। क्योंकि अभी अगर आप 12th और 10th नहीं करोगे तो फिर आपको माइंड नहीं रखता कि आपने लाइफ में कुछ नहीं किया है, और 10th और 12th करना बहुत जरूरी होता है। बस आप 10th और 12th भी करो, और उसके साथ साथ पार्ट टाइम आप यूट्यूब भी करो। बस टाइम पास मत करना, पार्ट टाइम करो, दिल से मेहनत करो, काम करो, जल्दी से जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी और आप ग्रोथ भी हो जाओगे। बस दिल से मेहनत करो और कुछ नहीं करो, बस काम करो और मेहनत करते रहो और स्कूल भी जाते रहो। किसी चीज के लिए स्कूल छोड़ने की जरूरत नहीं है, जब तुम्हें लगे कि हाँ यूट्यूब से मेरा चैनल ग्रो हो रहा है, मेरा काम हो रहा है, मैं अच्छे अच्छे वीडियो डाल रहा हूँ, रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, तब रिस्क लो, पहले रिस्क ना लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रदीप भाई ने पूछा है मेरे शेर भाई ये बताओ कि गेमिंग को लाइव स्ट्रीम करने के लिए कौन से एप्लीकेशन बेस्ट है। तो भाई आप प्ले स्टोर पे जाओगे, वहां आप लिखोगे स्क्रीन रिकॉर्डर, कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर कर दो भाई लाइव स्ट्रीम के लिए, आप उस पर कर सकते हो, क्योंकि इतने सारे एप्लीकेशन पड़े हैं, कोई भी एप्लीकेशन को यूज करो, सब पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपकी लाइव स्ट्रीम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। भारत भाई ने पूछा है कि भाई आपने अपनी लाइफ से खुद से क्या सीखा है। थैंक यू सो मच भाई ये सवाल पूछने के लिए, बहुत अच्छा सवाल है, नेक्स्ट लेवल वाला क्वेश्चन है। देखो मैंने अपनी लाइफ से जो सीखा है ना, सबसे बड़ी चीज होती है जिम्मेदारी लेना। मैंने अपनी लाइफ में जिम्मेदारी लेना सीखा है, लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैंने जिम्मेदारी ली है कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाऊंगा, उसके बाद मैं और भी लोगों को सक्सेस होना सिखाऊंगा कि आपको कैसे सक्सेस होना होता है। क्योंकि जो लोग बोलते हैं हम मैच्योर नहीं है, जिम्मेदारी उठा के देखो भाई, तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि मैंने ली है जिम्मेदारी, मुझे पता है कि मैं क्या सोचता हूँ, अब क्या करने के लिए क्या क्या नहीं करता, मुझे सब पता है कि सैक्रिफाइस कर लिया सब, आज भी दुख दर्द सहन करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। जिम्मेदारी लेना सीख जाओ, बस आप सफल हो जाओगे। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है मंजू
मंजू सुमोन ने, भाई मैं एल्बम सॉन्ग कवर वीडियो बनाता हूँ, क्या मेरे टॉपिक पर चैनल ग्रो होगा? बिल्कुल भाई, बिल्कुल ग्रो होगा। आपके अंदर बस जुनून होना चाहिए, आप जो वीडियो बना रहे हो उसको दिल से मेहनत करके वीडियो बनाओ, अच्छी तरीके से बनाओ, स्क्रिप्ट रेडी करके वीडियो बनाओ, अच्छी तरीके से बोलना सीख जाओ और वीडियो बनाओ। चाहे आपकी वीडियो टैग कैटेगरी की हो, चाहे आपकी एल्बम सॉन्ग की हो, कोई भी कैटेगरी की हो, बस मेहनत करो, दिल से मेहनत करो और कुछ मत करो। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, कोई भी चैनल हो कि ग्रो हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है जस्ट डू 2206, आपका फर्स्ट वीडियो कब वायरल हुआ था, जब कितने सब्सक्राइबर थे? भाई सबसे पहला वीडियो मेरा वायरल हुआ था, जो मेरा दानिश ध्यान के ऊपर ही वीडियो वायरल हुआ था, तब मेरे चैनल पर 2500 सब्सक्राइबर थे और तब वो वीडियो वायरल हुआ था, कम से कम 1.5 लाख व्यू आ गए थे और उस वीडियो के कारण मुझे 4000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए थे उस वीडियो से, तो वही वीडियो मेरा वायरल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूट्यूब इंडिया, भाई आप फुल एड्रेस बताइए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो भाई देखो, सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूँ कि सॉरी, मैं आप लोगों को अभी नहीं मिल सकता और मैं बहुत सारे लोगों को मैं मना भी करके रखा हूँ, अहमदाबाद के रहने वाले भी लोग हैं, उनको भी मैंने बोला है कि भाई मुझे टाइम दो, मैं पर्सनली आपसे मिलूंगा, लेकिन अभी मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पर फोकस करना, वीडियोज डालना, कंटेंट बनाना, मुझे जल्दी से जल्दी ग्रो करना है। बस मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो जब मुझे लगेगा कि हाँ अब मैं सफल हो चुका हूँ, अपने रास्ते से सफल निकल रहा हूँ, मेरे ग्रोथ होने लगी है, तब मैं खुद आप लोगों के आपके घर पर्सनली मिलने आऊंगा, प्रॉमिस करता हूँ भाई। मुझे लगेगा ना कि यहाँ जाना चाहिए, मैं पर्सनली मिलने आऊंगा, लेकिन अभी के लिए प्लीज माफ कर दो, अभी मैं किसी को भी नहीं मिल सकता, अभी मुझे सक्सेस होने के लिए हार्ड वर्किंग करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कपिल गुप्ता भाई ने, हाउ टू मेंशन टू योर अनदर चैनल यूट्यूब टाइटल। तो भाई सबसे पहले जब आप टाइटल लिखोगे ना, तो एडरेट का ऑप्शन आता है, एडरेट करके आप किसी की भी चैनल का नाम लिखो, आपको मेंशन हो जाएगा बस, और कोई करने की टेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है टेक्निकल एसएस सोलंकी भाई ने कि सर प्लीज सपोर्ट मी, मेरा क्वेश्चन है कि मेरा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर दो। भाई मेरे, मैंने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के ऊपर कम से कम 2 वीडियो बना के रखी हैं, आपने वीडियो नहीं देखी। भाई मेरे वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करो, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में कोई भी लफड़ा नहीं है, आप खुद कंफ्यूज होते हो, अपने दिमाग को जोर देते हो, इसलिए तुम कंफ्यूज हो जाते हो। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपको सही एड्रेस डालना है और सही नाम डालना है, फोटो अपलोड करनी है, बस आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन आप इतनी सी प्रॉब्लम को इतना बड़ा कर देते हो, इसलिए मत करो, कंफ्यूजन मत लो, वीडियो को देखो, चैनल पर है, और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करो, आपका चैनल हो जाएगा वेरीफाई, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है भाई आप एक मीडिया रिपोर्टर हो, देखो भाई मैं मीडिया रिपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मीडिया स्टाफ से हूँ, मैं उनकी टीम में वर्क करता हूँ, इसलिए मैं मीडिया स्टाफ में ही हूँ, यानी रिपोर्टर में आ ही जाता हूँ, यही समझ लो। और दूसरा क्वेश्चन है राहुल ऑफिशियल 111, भाई मेरे चैनल पर 8K सब्सक्राइबर हो गए हैं लेकिन व्यू नहीं आ रहे हैं, कुछ हेल्प करो। तो भाई सबसे पहले अपनी चैनल को चेक करो कि कौन सा वीडियो तुम्हारा वायरल हुआ था, उसी वीडियो पर घुमा फिरा के वीडियो डालो, आपके व्यूज आने लगे हैं, क्योंकि व्यूज लाने के लिए कोई भी तुक्का नहीं होता, कोई भी साइंस नहीं होता है, बस मेहनत करोगे, वीडियो डालोगे तो आपके धीरे व्यूज बढ़ने लगेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श भाई ने पूछा, मेरा वीडियोस पर 1 भी व्यूज नहीं आता। भाई जब नया नया यूट्यूबर होता है ना, तो व्यूज नहीं आता है, वीडियो को शेयर करो, यूट्यूब आपको शेयर का ऑप्शन देता है ना, शेयर करो हर जगह, फेसबुक पर शेयर करो, व्हाट्सएप पर शेयर करो, जहां शेयर करना है हर जगह शेयर करो। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है टेक्नोलॉजी SRK, भाई प्लीज हेल्प मी, 1 ईयर होने वाला है एंड यूट्यूब पर व्यू नहीं आ रहा है, तो मैं क्या यूट्यूब को छोड़ दूं? भाई YouTube को छोड़ोगे आपका ही नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर आप YouTube को छोड़ोगे तो आपका ही नुकसान होने वाला है। YouTube को मत छोड़ो, सेक्रीफाइस करते जाओ, काम करते जाओ, आज व्यूज नहीं आ रहे कल व्यूज आ जाएंगे, इसलिए डीमोटिवेशन मत हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, ऋतिक पाल ने, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है लेकिन 6.6 मिलियन व्यूज हैं, तो क्या मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सिल्वर प्ले बटन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो भाई, आपका वीडियोस अगर चल रहा है, अगर उसमें रियूज कंटेंट होगा तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, रियूज कंटेंट है तो वीडियो को डिलीट मार दो, उसके बाद अप्लाई करो, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और आपका चैनल मोनेटाइज हो चाहे ना हो, 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होंगे तो आपको सिल्वर प्ले बटन मिल जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है भाई, आप शादी कब कर रहे हो? शादी कब कर रहे हो भाई, ये कोई क्वेश्चन होता है? शादी नहीं, अभी नहीं करेंगे, जब तक सक्सेस नहीं हो जाता तब तक शादी नहीं करूंगा। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन पूछा है,
1 मिलियन पर क्या रिएक्शन होगा भाई। 1 मिलियन पर रिएक्शन जो होने वाला है ना, धमाकेदार होने वाला है, बहुत जोरदार सेलिब्रेशन होने वाला है। और जब मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, तब तुम देख लेना, आप सब लोगों के लिए मैं कुछ इतना बड़ा करूंगा और इतना स्पेशल करूंगा कि आप लोग भी मान जाओगे भाई के यूट्यूब पर अजय राज प्रजापति जैसा कोई भी यूट्यूबर नहीं है। मैं ये करके दिखाऊंगा, आपको वादा करता हूँ और प्रॉमिस करता हूँ। बस 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने दो, फिर आप देखो क्या होता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, क्योंकि कमेंट नहीं करोगे तो आपका प्रमोशन में नाम नहीं आएगा। इसलिए कमेंट कर दिया करो और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो। और चैनल पर जो भी लोग नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। चलिए मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।